हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं भी यार आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सभी के स्पर्श के आईडी में मैसेज आ गया है। वैसे भी मैसेज आ गया है, मतलब जो इनबॉक्स में आता है ना, मैसेज आता है कि आपका जो पेंशन है वो कितना आएगा। तो जो नायक हैं, 70 साल क्वालिफाइंग सर्विस है, तो उनका 31,000 प्लस का आया है, जैसा कि मुझे कन्फर्म है, क्योंकि कल ही मैसेज हमको प्राप्त हो गया था कि वो जो बढ़ा हुआ डीए है उसके साथ में ही मिलके पेमेंट जो है वो आया है पेंशन का। 31,000 प्लस आया है, 276 बता रहे हैं, ऐसे कुछ थोड़ा है, देखो इतना ध्यान नहीं है अभी, लेकिन 31,000 प्लस है अभी। इसके बाद में आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 500 सेगुलर एडियर्स हवलदार साहब की है, और जो जेड ग्रुप सी ग्रुप मान लीजिए, आप बहुत सारे सी ग्रुप भी कहते हैं, ए बी सी, तो ये सी ग्रुप की जेड ग्रुप की यहाँ पर टेबल आपको मैं प्रोवाइड की है, इसको एक्सप्लेन करूँगा। 568 के सर्कुलर का एरियर निकालने के लिए हमें 547, 430, 501, 568 ये सारे सर्कुलर चाहिए होते हैं। इनका डाटा यहाँ पर टाइप किया जाता है, फिर यहाँ पर फॉर्मूला लगाए जाते हैं, और फॉर्मूला निकलने के बाद वैल्यू आती है, फिर इसका टोटल मैंने यहाँ निकाला है। तो जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 15 साल है, तो उनके लिए 1,78,167 रुपये का अयर्स बनता है। 15.5 साल जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस है, उनके लिए 1,64,587 रुपये का अयर्स बनता है। 16 साल जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस है, उनके लिए 1,51,047 रुपये का अयर्स मिलता है। और 16.5 साल जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस है, उनको 1,37,512 रुपये का अयर्स मिला है। 17 साल जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस है, उनको 1,23,914 रुपये का अयर्स मिला है। 17.5 साल जिनकी है, उनको 1,10,334 रुपये का मिला है। 17.5 साल जिनकी है, उनको 1,10,334। और जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस है 18 साल, उनको 96,794 रुपये मिले हैं। 18.5 साल जिनकी है, उनको 83,156 रुपये मिले हैं। जिनकी 19 साल क्वालिफाइंग सर्विस है, उनको 69,575 रुपये मिले हैं। जिनकी 19.5 साल है, उनको 56,035 रुपये मिले हैं। जिनकी 20 साल है, उनको 42,501 रुपये मिले। जिनकी 20.5 साल है, उनको 31,158 रुपये मिले। जिनकी 21 साल है, उनको 17,347 मिले। जिनकी 21.5 साल है, उनको 3,623 मिले। और जिनकी 22 साल से लेकर 28 साल तक ऊपर है, उन सब को 568 के एरियर में कुछ नहीं मिला है। तो देखिए, जब पेंशनर, बहुत सारे पेंशनर्स हैं जो कि कमेंट करते हैं कि हमको अरियर्स 568 है उसका अभी तक नहीं मिला है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है ना, उस एरिया में, उस क्रिटेरिया में नहीं आते कि आपको दिया जाए। अब मान लीजिए आप हवलदार साहब हैं जेड ग्रुप के, आपकी क्वालिफाइंग सर्विस है 28, 27, 26, तो फिर कहाँ से मिलेगा? आपकी क्वालिफाइंग सर्विस होनी चाहिए 21.5 साल तक, तभी मिलेगा। अब चाहे आप कितनी भी सीपीग्राम से कंप्लेंट कर दीजिए, चाहे कुछ भी कर दीजिए, तो आप इस बात को समझो कि किस किस को ये 568 का एरियर मिलना है, किस किस को नहीं मिलना है। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।